हेलो दोस्तों, मेरा नाम वनीत अग्रवाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार यूज किया जाता है। दोस्तों, एक्सेस मॉडिफायर जैसा कि नाम बता रहा है, एक्सेसिबिलिटी को मॉडिफाई करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी किस सेंस में? किसी भी क्लास के मेंबर्स की जब हम एक्सेसिबिलिटी को सेट करना चाहते हैं, कहने का मतलब यह है कि क्या क्लास के मेंबर उसी क्लास के मेंबर के द्वारा एक्सेसिबल होंगे, क्या क्लास के मेंबर उसकी डिराइव्ड क्लास के द्वारा भी एक्सेसिबल होंगे, क्या क्लास के मेंबर किसी भी क्लास के द्वारा एक्सेसिबल होंगे। इन तीन तरह की एक्सेसिबिलिटी को सेट करने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो जावा में दिए हुए हैं, जिन्हें पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के रूप में जाना जाता है। एक और इसमें एक्सेस मॉडिफायर आता है डिफॉल्ट, जिसको हम लिखते नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट उसमें यूज होता है। देखिए, मैं बारी बारी से एक एक लाइन में इनकी ब्रीफिंग कर रहा हूं और एक एक मॉडिफायर को मैं एग्जांपल के द्वारा समझाने वाला हूं। देखिए, पब्लिक मॉडिफायर का मतलब है जब किसी क्लास के मेंबर को आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं तो वो मेंबर पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबल है किसी भी क्लास के द्वारा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्लास को भी पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि उस क्लास की एक्सेसिबिलिटी भी पैकेज के बाहर होनी चाहिए। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का मतलब है कहीं भी एक्सेसिबल, चाहे वो पैकेज के अंदर हो चाहे वो पैकेज के बाहर हो। पैकेज क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ। पैकेज क्या होता है इसको जानने के लिए आप मेरा पैकेज वाला वीडियो देख सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स, अगर किसी क्लास के मेंबर्स को आपने प्रोटेक्टेड कर दिया तो विद इन अ पैकेज वो उसकी ड्राइव क्लास के द्वारा ही एक्सेसिबल होंगे। मान लीजिए किसी क्लास के किसी प्रॉपर्टी को आपने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया तो उसी क्लास की जितनी भी ड्राइव क्लासेस होंगी वो उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और प्राइवेट का मतलब है सिर्फ क्लास के, जिस क्लास की प्रॉपर्टी को या मेथड को आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं सिर्फ उसी क्लास के दूसरे मेंबर उसको एक्सेस कर पाएंगे। डिफॉल्ट का रोल यहाँ पर बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी भी क्लास के मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते तो वो डिफॉल्ट में चला जाता है। और डिफॉल्ट का मतलब होता है पैकेज के अंदर वो पब्लिक मॉडिफायर की तरह काम करेगा, यानी पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो उस डिफॉल्ट मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। मैं सबसे पहले आपको प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बता रहा हूं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्राइवेट मॉडिफायर के बारे में बताऊंगा। तो मैं उस पाथ पर हूं जहां पर मैं अपना प्रोग्राम सेव करूंगा। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर मैंने अपनी फाइल ओपन की हुई है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर रहा हूं। यहां पर मैं इसको नाम दे रहा हूं प्राइवेट मॉडिफायर, जिससे नाम से पता चल जाए कि मैं ये प्रोग्राम किसका बना रहा हूं। यहां पर हम एक क्लास बनाएंगे बेस नाम से और उसके अंदर प्राइवेटली डिक्लेयर कर रहे हैं प्राइवेट इंट ए इज इक्वल्स टू 5, क्लोज कर दिया। दूसरी क्लास ले रहे हैं उसका नाम प्राइवेट मॉडिफायर दे रहे हैं और एक्सटेंड्स कर रहे हैं बेस को। और यहां पर मैं एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं, उसको नाम दे रहा हूं एक्सेस प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पर ए इज इक्वल्स टू 10, आप देख रहे हैं मैंने ए नाम का कोई भी वेरिएबल या प्रॉपर्टी यहां पर डिक्लेयर नहीं किया इस क्लास के अंदर, तो जाहिर सी बात है ये अपनी बेस क्लास से एक्सेस करेगा। उसको मैं प्रिंट भी करा रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर यहां पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद पीएम डॉट एक्सेस प्रॉपर्टी, इसको बंद कर दिया, सेव किया। इस कोड से हमें पता चल रहा है क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है तो इसकी ड्राइव क्लास या कोई भी क्लास का कोई भी मेंबर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इट मींस जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो इसमें एरर आनी चाहिए। आपके सामने एरर आ गई, ए हैज प्राइवेट एक्सेस इन बेस। तो इसमें हम दो जगह एरर को देख पा रहे हैं क्योंकि दो जगह ए का जिक्र है, दो जगह हमने ए को एक्सेस करने की कोशिश की है, एक यहां पर इनिशियलाइज करने के लिए और यहां पर प्रिंट कराने के लिए। तो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप या प्राइवेट मॉडिफायर से आप समझ गए होंगे कि एक्सेसिबिलिटी कैसे सेट की जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को किस तरह से यूज किया जाता है। इसी कोड को मैं आधार बना के चलूंगा और आपको समझाऊंगा प्रोटेक्टेड मॉडिफायर कैसे यूज होता है। तो देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।